दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप स्विगी वाला नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बाहर के मुद्दे को लेकर कोर्ट से जारी नोटिफिकेशन के बारे में। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर। टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीख को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। उसी के संबंध में चयन बोर्ड से मांग की जा रही है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए। चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आज की तारीख में भी अभ्यर्थियों के माध्यम से एक मुलाकात की गई, जैसा कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुँचे हुए थे कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का जो ऐलान है वो नोटिस के माध्यम से कर दिया जाए। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, आपको अवगत करवाना है कि विज्ञापन संख्या 2022 की परीक्षा की तारीख को लेकर प्रतियोगी छात्रों के अंदर असमंजस है और ऐसे में प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से यहाँ से मांग की जा रही है कि परीक्षा की तारीख को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से लगभग 60 दिनों पहले जो जानकारी है वो दी जाए, जिससे कि टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या के अंदर जो समय वो मिल सके। मतलब ये है कि टीजीटी पीजीटी तारीखों का जो ऐलान है वो 60 दिन पहले कर दिया जाए और वेबसाइट के माध्यम से इसको लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। उसी को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से सहमति जताई गई है और साथ ही कहा गया कि जल्दी परीक्षा की तारीख का जो ऐलान है वो करेंगे और 60 दिन का समय भी छात्रों को दिया जाएगा। ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीख के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे के बारे में। आप जानते हैं कि प्रतीक मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल करके बीएड को बहाल करने के लिए एक याचिका लगी हुई थी और उस याचिका को लेकर उत्तर प्रदेश में समय समय पर सुनवाई भी आपको देखने के लिए मिल रही है। उसी के संबंध में अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पहले एक बार फिर से यूपी के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल करने के संबंध में सुनवाई होने वाली है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 16 फरवरी 2022 को याचिका को दाखिल किया गया था और जो अगली तारीख है वो आप सभी के सामने लिखी हुई है कि 4 अगस्त 2022 को इसकी सुनवाई होने वाली है। मतलब कि कल की तारीख में, कल बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर योग्य या फिर अयोग्य के बारे में सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीएड को लेकर कोई भी आदेश नहीं दिया गया है और ना ही अभी तक सुनवाई की तारीख निर्धारित हुई है। लेकिन कल होने वाली तारीख के अंदर क्या यूपी के अंदर कोई आदेश दिया जाएगा, जो भी पल पल की अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे के बारे में कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। जब भी एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि योग्यता के विवाद के चलते भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, लेकिन अब यहाँ से एक अच्छी खबर यह है कि योग्यता के विवाद को लेकर कल की तारीख में हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और अगर इस याचिका को सही तरीके से सुना गया तो कल ही इसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो सकता है। अगर एक बार ऑर्डर रिजर्व हुआ तो नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। योग्यता के विवाद के संबंध में कल हाईकोर्ट के अंदर एक सुनवाई होने वाली है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। इसी प्रकार की तमाम रफ्तार भरी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।